हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो क्या होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए, देखते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि बिजनेस रिसोर्स क्या है। ओके, जैसे कि बिजनेस रिसोर्स की बात आई तो बिजनेस रिसोर्स क्या होते हैं इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। पहले क्या कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस रिसोर्स का, देखिए, स्टार्टिंग एंड रनिंग एनी वेंचर, बी इट कमर्शियल आर सोशल, इज ए चैलेंजिंग जॉब। फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द वेंचर एंड एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स डिफरेंट रिसोर्सेज। बिजनेस रिसोर्सेज आर इकोनॉमिक आर प्रोडक्टिव फैक्टर required undertaking an enterprise and achieving a desired outcome. So some of the most basic business resources include land, labor and capital, while other resources include energy, knowledge, expertise, management, time. An entrepreneur is required to establish healthy and sustainable relations with every resource provided. अब टाइप ऑफ बिजनेस रिसोर्स, जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस रिसोर्स कैन बी सेवरल टाइप, सच एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज। किसी भी उद्यम को शुरू करना और चलाना, चाहे वो व्यावसायिक हो या सामाजिक, एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। उद्यम की विभिन्न गतिविधियों के सफल एग्जीक्यूशन के लिए एक उद्यमी विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता है। व्यावसायिक संसाधन आर्थिक एवं उत्पादक कारक है जिनकी आवश्यकता होती है। उद्यम और वांछित परिणाम प्राप्त करना, कुछ सबसे बुनियादी व्यावसायिक संसाधन भूमि, धन और पूंजी शामिल, जबकि अन्य संसाधनों में ऊर्जा, ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रबंधन, समय आदि। स्वस्थ और स्थापित करने के लिए एक उद्यमी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संसाधन प्रदाता के साथ स्थायी संबंध। व्यावसायिक संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वित्तीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, सूचनात्मक संसाधन है, मूर्त और अमूर्त संसाधन है, ये हो सकते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो ये जो टर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, सिंपली रेफर द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड रिसोर्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइडर इन टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। दिस कंसेप्ट एडवोकेटिंग हैविंग द राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड राइट टाइम एट राइट प्राइस एंड मेकिंग अ राइट यूज ऑफ एक्वायर्ड रिसोर्स, thus ensuring optimum utilization of the same. The term resource mobilization is usually used in the context of entrepreneurship to highlight the ability of the member of an organization to acquire resources and to mobilize various stakeholder group towards
द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जैसे कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन की यहां बात आई, तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में आर्थिक विकास प्रत्येक विकासशील देश का एक मुख्य उद्देश्य है, जो बदले में दक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन से संबंधित है। परंतु किसी भी आयोजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, के सफल परिणाम योजना आवश्यकताओं अनुसार पर्याप्त साधनों की सहज उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, अन्यथा आयोजन सफलता के बिना अथवा कागजों में रहेगा। वास्तव में उचित वित्तीय प्रबंधनों के बिना आयोजन की धारणा का कोई महत्व नहीं। योजना आयोग ने ठीक ही अवलोकन किया है कि साधनों का जुटाव ही भारतीय आयोजन की मुख्य चिंता है। इसी प्रकार वित्तीय आयोजन का सार यह सुनिश्चित करता है कि मांग और पूर्तियों को इस प्रकार संतुलित किया जाए कि भौतिक क्षमताओं से अधिक संभव कार्य लिया जाए कि भौतिक क्षमताओं से अधिक अधिक संभव कार्य लिया जा सके, परंतु कीमत संरचना में कोई बड़ा और अनियोजित परिवर्तन ना हो। दूसरी बात यहां पे आती है कि विकास के लिए आयोजन में एक उचित निर्णय सम्मिलित है कि समाज के भीतर वास्तविक संसाधनों को कैसे पहुंचाना है और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए उनका सर्वोत्तम परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक कार्यक्रम को बनाते समय इसकी लागतें और लाभ वित्तीय अथवा मौद्रिक आस्थित का अनुमान लगाना और इसके उलझाव और योजना की वास्तव में लाभप्रदता को देखना है। यह प्रक्रिया जांच के लिए नए परिदृश्य खोलती है। वित्तीय शेषों का दबाव सुदृढ़ नियोजन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का एक अन्य संकेत है। अतः ये कार्यक्रमों के पोषण के लिए कोष एकत्रित करने के कार्यक्रमों तथा वास्तव एक वित्तीय संदर्भ में प्राप्तियां करने से संबंधित है। इस प्रायोजन से इसमें योजनाओं के निष्पादन के लिए वित्त के विभिन्न आंतरिक और बाहरी स्रोत सम्मिलित हैं। ये साधन गतिशीलता का एक उपकरण है जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति में कुछ संबंधन दूर करने के लिए पूर्वापेक्षित है। ये स्थितिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए और भुगतानों के संतुलन की कठिनाइयों को रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो हमने बताया। अब अगर हम एलिमेंट देखें तो रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन आप रिसोर्स प्रोवाइडर है, आइडेंटिफिकेशन आप मैकेनिज्म टू रिसीव रिसोर्स है, एक्सपेंशन ऑफ रिलेशंस विद रिसोर्स प्रोवाइडर है, राइट यूज ऑफ रिसोर्सेस है, सीकिंग आउट न्यू रिसोर्सेस है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इफिशियंट एंड इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज गाइडेड बाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो टू कोऑर्डिनेट द अप्रोच ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन विद द वेरियस रिसोर्स पार्टनर इन्वॉल्व। तो जो ऑब्जेक्टिव है कि इफिशियंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इफेक्टिव मोबिलाइजेशन किसी भी रिसोर्स का आपको क्या क्या गाइड करता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट करना है अप्रोचेस को रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अकॉर्डिंग विद वेरियस रिसोर्स के साथ।
रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना है, अकाउंटेबिलिटी को एक्सपेंड करना है, रिसोर्स पार्टनर के साथ इंश्योर करना है उसका एलोकेशन, चैनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स इन अ न्यूज वेयर दे आर मोस्ट नीडेड टू प्रिवेंट इन हाउस एंड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। इन हाउस प्रिवेंट या डिपार्टमेंटल कंपटीशन जो रिसोर्स के लिए होता है उसको प्रिवेंट करना, उससे बचना है। टू इंश्योर दैट एफर्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन फोकस ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द हायर लेवल रिजल्ट, टू प्रायोरिटाइज द नीड टू एनहेंस रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैपेसिटीज अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द वेंचर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि हम इस बात को इंश्योर करें कि कॉन्टिन्यूअल सर्विस प्रोविजन हमें मिले, फैसिलिटी स्केलिंग अप ऑफ द वेंचर, इंप्रूव आउटपुट, ऑफर कंपटीटिव एडवांटेज, बिल्ड सस्टेनेबिलिटी, हेल्प फॉर्मुलेट इंडिपेंडेंट बजट, फॉरवर्ड लॉकिंग, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, ये चीजें हमारे पास आए। यदि हम फेजेस की बात करें कि फेज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्री ब्रॉड फेजेस नेमली प्लानिंग, द गोल ऑफ द प्लानिंग फेज इज टू आइडियली एस्टेब्लिश अ रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म, Describe how specific resource partner shall be targeted and for which resources. So, planning phase का जो goal होता है उसमें हमें resource mobilization strategy को establish करना होता है ideally, और बहुत ही short term के लिए action plan भी हमें देना होता है, और इस बात को भी हमें डिस्क्राइब करना है कि हाउ रिसोर्स पार्टनर जिसको टारगेट करना है उस रिसोर्स के लिए इंप्लीमेंटिंग ये है कि दिस फेज एक्सप्लेन्ड विद द एड ऑफ फाइव स्टेज प्रोसेस। दीज इन interconnected stages are not entirely distinct and may not always follow a logical sequence. So they are identification hai, engagement hai, negotiation hai, managing hai, and reporting and communication of results. Aur phir aapka aata hai evaluating. So evaluating in this phase the effort of resource mobilization in terms of the strategy and action plan are examined and evaluated in the form of report. So evaluating में क्या करते हैं इस फेज में कि resource mobilization का कितना effort रहा in terms of strategy जो बनाई थी आपने या उसका जो action plan था जो बनाया था उसके according उसको हमें examine करना है in the form of report, evaluate करना है in the form of report. तो इसके तीन फेजेज हैं, एक तो प्लानिंग जिसमें हम गोल्स देखते हैं, क्या है प्लानिंग फेज का गोल कि हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए एस्टेब्लिश करना है, रिसोर्स पार्टनर को हमें डिस्क्राइब करना है, उसको टारगेट करना है, और इंप्लीमेंट में क्या है कि बेस्ट एक्सप्लेन द एड ऑफ फाइव स्टेज प्रोसेस। ये जो फाइव स्टेज प्रोसेसेस हैं identification, engagement, negotiation, managing and reporting and communication of result, इन सबको हमें बहुत ही best तरीके से explained करना। अब हमें जो कुछ ऐसी चीजें हैं resource mobilization में, अगर method की बात करें या अगर हम बात करें, तो अब हम अगला जो स्टेप लेकर आएंगे कि
इसका जो है फॉर स्टार्टअप के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज कोई बच्चा जुड़ा नहीं है। आई थिंक फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हुई कि कोई बच्चे जुड़ नहीं पाए। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर भी ओके। मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।